एहसास है, एहसास है, एहसास है रमजान, एहसास है, एहसास है, एहसास है रमजान। वसीम, वसीम उठ जाए, सैरी का टाइम हो गया है। आता हूँ, 5 बजे आता हूँ। आज पहला रोजा है अब्दुल्ला का और रोजा खुशाई भी है उसकी। उठ जाए। अच्छा अच्छा आता हूँ 5 बजे। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। उठ गए दोनों? वसीम का तो पता नहीं, अपनी मर्जी से उठेंगे। अब्दुल्ला को उठाने जा रही हूँ अभी। भाई वो तो आज दूल्हा मियाँ हैं, जल्दी से जगाओ, कहीं नाराज ना हो जाए। जी बस जा रही हूँ। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला उठो। ऐसे नहीं मानेगा ये। अब्दुल्ला, हाँ? सरप्राइज! माशाल्लाह, इतनी जल्दी उठ गए और तैयार भी हो गए, कितने प्यारे लग रहे हो तुम। जी मामा, पहले रोजे की एक्साइटमेंट ही इतनी थी कि नींद ही नहीं आई। मैंने सोचा अब मैं टाइम क्यों वेस्ट करूं, इससे अच्छा रेडी हो जाता हूं। बहुत अच्छा किया आपने। जाओ दादी को जाकर सलाम करो और बाबा को भी उठाओ, मैं आपके लिए सहरी लगाती हूं। ओके मामा। वालेकुम अस्सलाम दादी की जान, कैसे हो तुम मेरे शहजादे? मैं तो ठीक हूँ दारी जान, मैं कैसा लग रहा हूँ? माशाल्लाह, तुम तो दूल्हा दूल्हा लग रहे हो। दूल्हा तो मैं तब बनूंगा जब मैं बाबा जितना बड़ा हूँगा और मामा मेरे लिए चांद जैसी दुल्हन लेकर आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, चांद जैसी दुल्हन लाएंगी तुम्हारे लिए। दारी जान, आज मेरा पहला रोज है, अब बताएं मुझे क्या क्या करना चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी जान, तुम्हें पूरी नमाजें पढ़नी चाहिए, कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए और जितने नेकी के काम कर सको वो करने चाहिए, क्योंकि रमजानुल मुबारक में हर नेकी का अजर आम दिनों से 70 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है दादी जान, मैं आपकी सारी बातों का ख्याल रखूंगा। बात मेन्यू देख लिया था ना, फाइनल है ना? जो मैं डिसाइड किया था आपको बताया था ना, चिकन बिरयानी, मटन कढ़ाई, चिकन चौमिन और डिजर्ट में ब्लैक फॉरेस्ट केक और सैलड बार रखवाई है। तुम जो कुछ भी दिल से बनवाओगी अच्छा ही बनेगा इंशाल्लाह। बस इस बात का ख्याल रखना बेटा कि फजूल खर्ची ना हो, खाना उतना बने जितना खाया जाए, जाया नहीं होना चाहिए। जी अम्मी। ठीक है, फिर मैं नमाज के बाद केटर से बात कर लेता हूँ और फाइन कर लेता हूँ। रोजा खुशाई मेरी है, आप मुझसे कोई पूछ ही नहीं रहा। भाई तुम जो हो ना, अपने रोजे पे ध्यान रखना और हाँ,
अगर थोड़ा मसला हो रहा हो, नहीं रखा जा रहा हो ना, तो तोड़ देना, लेकिन दादी से पूछ के। जी नहीं, कुछ नहीं होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना रोजा नहीं तोड़ूंगा। और मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो खाली एक दाल का रोजा रखे। हाँ भाई, मेरा अब्दुल्ला माशाल्लाह बहुत हिम्मत वाला है, सब्र वाला है। अच्छा चलो, जल्दी से फिनिश करो, रोजे की नियत करो, दुआ पढ़ो और पानी पियो, जल्दी करो। ठीक है, कुछ और तो नहीं चाहिए? नहीं, वुजू भी कर लेना, फिर नमाज के लिए चलते हैं। ठीक है बाबा। नसरीन। जी बाजी। नसरीन जी, घर की सफाई अच्छे से देख लेना आज, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और डेकोरेशन वाले भी बाहर आ गए हैं, कोई मसला हो तो मुझे फोन कर देना। तुम जानती हो ना वसीम को, कोई भी चीज 19-20 हुई ना तो बहुत गुस्सा करेंगे। जी बाजी, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, सब ठीक से हो जाएगा। ठीक है। और हाँ, अपने शौहर को बता दिया था ना कि आज लेट हो जाएगा तुम्हें? जी जी, मैंने बता भी दिया था, बल्कि मैं शदी को भी साथ लाई हूँ ताकि कोई परेशानी की बात ही ना हो। क्या नाम है तुम्हारा? शदी। शदी तो प्यार से कहते होंगे ना, असली नाम क्या है? शाहिद। शाहिद, बहुत अच्छा नाम है। नसरीन, मैं मार्केट जा रही हूँ, कोई भी काम हो ना सिर्फ फोन कर देना। ठीक है? ठीक है बाजी, अल्लाह हाफिज़। जल्दी कर। कर रहे हैं, चलो सफाई करो, आ जाएगा कोई ना कोई। आगे सही से कर। भी तोड़ दिया, अब्दुल्ला साहब की नींद भी खराब कर दी, अब बाजी की डांट भी पड़ेगी और तनख्वाह से पैसे भी कट जाएंगे मेरे। मेरा हाथ लग गया था। माफ कर दे अब्दुल्ला साहब। इट्स ओके नसरीन आंटी, कोई बात नहीं, लेकिन आपको मम्मा का गुस्सा मालूम है ना? हाँ, बस अल्लाह रहम करे हम पर। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं, जाके सहन में से वो लेकर आ जिसे कचरा उठाते हैं। जी जी लाया। क्या आपका बेटा है? जी ये मेरा बड़ा बेटा है, पर आपके जैसा नहीं। मेरे जैसा नहीं है, ये क्या बात हुई? आप तो छोटे साहब है ना। तुम्हारा नाम क्या है? इसका नाम शाहिद है, प्यार से हम इसे शदी कहते हैं। शदी, कितना अच्छा नाम है। तुम क्या करते हो? काम करता हूँ और वेल्डिंग का काम सीख रहा हूँ। तुम स्कूल नहीं जाते? स्कूल की फीस बहुत ज्यादा है ना, इसलिए। ओ, तुम्हारी एज कितनी है? एज? एज मतलब तुम कितने साल के हो? 10 साल का। अरे वाह, मैं भी 10 साल का हूँ। तुम्हें मालूम है आज मेरी रोजा खुशाई है और बहुत सारे मेहमान आएंगे इफ्तारी में और उनके साथ गिफ्ट भी आएंगे। गिफ्ट मालूम है ना? खिलौने। हाँ खिलौने हो सकते हैं, गिफ्ट तोहफों को कहते हैं। तुम्हारी रोजा खुशाई हुई भी है? नहीं। अच्छा जदी। जी आयो। एक मिनट रुको। ये लो। मैं ये नहीं खा सकता। क्यों?
मामा ने मना किया है? नहीं मामा ने नहीं, अल्लाह मियां ने। अल्लाह मियां ने? वो कैसे? अल्लाह मियां ने कहे रोजे में कुछ खाना पीना नहीं चाहिए, और आज मेरा रोजा है ना, तुमने तो कहा तुम्हारी रोजा खुशाई नहीं हुई भी। और वैसे भी तुमने बगैर रोजा खुशाई के रोजा कैसे रख लिया? आजा शादी। आ गया आ गया। एक दाल का रोजा रखा होगा। الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان صدق الله العظيم. داری جان آپ بھی مجھے اپنی طرح قرآن پڑھنا سکھا دیں. میری جان تم تو بہت اچھا قرآن پاک پڑھتے ہو، تمہیں تو قاری صاحب نے بہت اچھی قرأت سکھائی ہے. तभी तो किरात का फर्स्ट प्राइज लिया था मैंने स्कूल में. दारी जान आपको पता है आप बहुत मीठा मीठा कुरान पढ़ती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है. इसलिए मेरी जान क्योंकि मैंने अपने दिल में से सारी कड़वाहट निकाल दी है. तुम भी अपने दिल में कभी कड़वाहट को ना आने देना. दारी जान जब मेरा दिल मीठा हो जाएगा तो मैं आपकी तरह पढ़ने लग जाऊंगा. फिर तुम देखना कि जो भी सुनेगा दिल में उतारे बगैर नहीं रह सकेगा. और मेरा बच्चा तुम्हारे दिल में तो सबसे ज्यादा मिठास है. तारी जान आपको पता है नसीन आंटी का बेटा शायद उसकी तो रोजा खुशाई भी नहीं हुई लेकिन फिर भी उसने रोजा रखा है. तो एक दाढ़ का रोजा होगा ना, इसमें ऐसी क्या बात है? मेरा भी यही ख्याल है. अच्छा मैं एक मिनट में आया. शाहिद एक बात पूछो. पूछो. तुम्हारा एक दाढ़ का रोजा है या पूरा रोजा है? एक दाढ़ का तो पता नहीं लेकिन पूरा रोजा है. यानी तुम घर वालों के साथ मगरिब की अजान पर इफ्तारी करोगे? आज तो मैं आपके घर ही रोजा खोलूंगा, मेहमान तो आ ही रहे. काश तुम्हारा भी. जी आज मेरा पहला रोजा है. नहीं रोजा खुशाई ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता. वो कैसे? वो ऐसे कि हमारा पहला रोजा हमारी खुशी होती है और हम उस खुशी में अपने दोस्तों को और अपने रिश्तेदारों को शामिल कर रहे होते हैं. रोजे का रोजा खुशाई से कोई ताल्लुक नहीं है. लेकिन मेरी तो हो रही है. क्या शायद के घर वालों को उसके रोजे की खुशी नहीं है? नहीं बेटा ये बात नहीं है. असल में कुछ लोगों के पास इतने सारे लोगों को बुलाने के दावत करने के पैसे नहीं होते. तुम जब बड़े हो जाओगे ना फिर ये सब बातें समझ जाओगे. लेकिन हम तो गरीबों की मदद कर सकते हैं ना. मैं आज ही माँ बाबा को कहूँगा कि वो शायद की रोजा खुशाई कराए. लेकिन तुम तो बता रहे थे कि उसका रोजा आज है और वो स्कूल भी नहीं जाता. जी हाँ वो कह रहा था उसके पास फीस के पैसे नहीं है. ओहो तुम्हें पता है अब्दुल्ला हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम वो फरमाते थे कि उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है तुम में से कोई शख्स
सच्चा मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने भाई के लिए भी वही बात पसंद ना करे जो वो अपने लिए करता है। पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम में से कोई अच्छा मुसलमान सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता जब तक अपने भाई के लिए भी वही चीज ना ले जो वो अपने लिए लेता है। लेकिन मैं तो इकलौता हूँ, मेरा तो कोई भाई भी नहीं है। सारे मुसलमान एक दूसरे के भाई ही तो है। शायद ही मुसलमान है, क्या वो भी मेरा भाई है? और नहीं तो क्या। जी जी, अब्दुल्ला की शेरवानी इतनी प्यारी है, इतना अच्छा लगेगा आज वो। है कहाँ अब्दुल्ला, चंद ही मिनट रह गए रोजा खुलने में। मौसूफ खुद तैयार हो रहे हैं आज, सहरी में भी खुद तैयार हुए थे। अच्छा माशाल्लाह। नसरीन इधर आए। जी बाजी। अब्दुल्ला को तो ले आए। मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे वाह, अब तो तुम बिल्कुल धुरे लग रहे हो। अब्दुल्ला साहब, ये सब क्या कर रहे हैं आप? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था करने को। और तुम, तुम्हारे मुंह में जुबान नहीं थी, तुम मना नहीं कर सकते थे। अम्मा मैं क्या कहता, छोटे सा क्या मेरा मतलब, इन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी। नसीन आंटी आप परेशान मत होए, कुछ नहीं होगा, शायद और मैं भाई भाई हैं। और ये मैंने नहीं कहा, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। छोटे साहब आपको नाहिला बाजी बुला रही हैं। चले शायद भाई। जी छोटे साहब। अब्दुल्ला भाई नहीं बोल रहे। छोटे साहब चले। नसीन आंटी अपा मुझे अब्दुल्ला कहेगा। नायला बाजी मुझे उस घर में रहने देंगी तो बोलोगी। शायद ही चले। जी अब्दुल्ला भाई। पता नहीं कहाँ रह गया अब्दुल्ला, नसरीन को भेजा था कि ले आओ। वो आ गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तो फरिश्ते लग रहे हैं मेरे शहजादे। ये तो मासी का बेटा है शायद। शायद मेरा भाई है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तमाम सच्चे मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया है तुम में से कोई शख्स सच्चा मोमिन नहीं है जब तक वो अपने भाई के लिए वो चीज ना पसंद करे जो वो अपने लिए करता। एक ही शेरवानी थी और एक ही टोपी थी, इसीलिए एक चीज मैंने ले ली और एक चीज शायद भाई को दे दी। बहुत अच्छा किया। मेरे साथ शायद भाई की भी इफ्तारी होगी और गिफ्ट भी आधे आधे होंगे। शाबाश शाबाश। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम का फरमान तो हमेशा से सुनती चली आई, लेकिन आज पहली बार दिल से सुना है। अच्छा अब आप सब लोग अपनी अपनी नशस्तों पर तशरीफ रखें, अफ्तार का वक्त होने वाला है, दुआ शुरू करते हैं। हर साहिब ईमान की मीरास है आबाश। अब्दुल्ला तुम्हारी बातों ने बहुत मुतासर किया। ये सब तो मेरी दादी जान की तरबियत का नतीजा है। मामा किसकी हैं? अच्छा भाई ये बताओ कि आज किस बच्चे को रोजा नहीं लगा? मुझे तो नहीं लगा अंकल। वाह भाई कमाल हो गया,
शाहिद अब से स्कूल भी जाएगा और उसकी जिम्मेदारी मेरी। अरे वाह बाबा, मैं भी यही सोच रहा था। अरे भाई इंतजार किस बात का है, गिफ्ट नहीं खोलने क्या? अरे सिर्फ खोल लेनी है, बांटने भी आऊं। ये तुम्हारा, ये भी तुम्हारा, ये मेरा और इसका। मेरा कहा है गिफ्ट? तुम जैसे सो रहे हो ना, ये रहा। ये भी आपका। I want that one. प्यास है रमजान, एहसास है, एहसास है, एहसास है रमजान, एहसास है, एहसास है, एहसास है।